우시러 김이 दो घंटा एकदम सीरियस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो भी सिखाते हैं वो लोग बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत रेयर होता है कि जल्दी कैप्चर करना हर चीज़ को, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है जो उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर सिस्टम से जो हम लोग का गवर्नमेंट से या यहाँ का जो है DC ऑफिस हो गया, ठीक है ना, वहाँ से अगर कुछ हेल्प हो जाता है, जैसे कि हम लोग का मैट मैन टू मैट के ऊपर होता है, हम लोग का मैट का हेल्प हो जाता है, मैट अगर वहाँ से सेंक्शन होता है तो हम और भी अच्छा अच्छा प्लेयर यहाँ से निकल सकता है। और यहाँ से इंटरनेशनल पर अगर प्लेयर अगर निकलने की कोशिश करे तो वो विद इन 5 to 10 years यहाँ से आराम से निकल जाएगा, और इसके लिए सपोर्ट भी चाहिए होगा वैसे ही। और अभी ये लोग खेलने जा रहे हैं तमिलनाडु, अभी ऐसा मतलब माहौल है कि खेलने का इच्छा हो रहा है इन लोग बच्चे लोगों का, लेकिन इसके पास जितना फाइनेंस होना चाहिए वो फाइनेंस इसके पास नहीं है, तो भेज तो रहा हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से और तकलीफ से भेज रहा हूँ। तो ये बोलना चाहूँगा कि अगले साल की ऐसा तकलीफ ना हो, तो इसके लिए जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी थोड़ा सोचे कि बच्चे लोग हैं अभी सब जूनियर, उसको अच्छा इंप्रेशन अगर मिल गया ये हेल्प हो रहा है तो इसको देख के और भी लोग खेल में आ जाएंगे, खेल जो गेम है वो शुरू कर देंगे, और अपना जो एरिया है, गांव है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, इसका जो नाम है वो उज्जवल करेंगे। लवलिन में पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मैं जब से मिला वहाँ से ऑल असम जूडो एसोसिएशन तो वो 1 साल हो गया, तो 1 साल से हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनली कर रहे हैं। और ये लोग 3 लड़का 2 लड़की जा रहा है अभी नेशनल जूडो चैम्पियनशिप सब जूनियर एंड कैडेट खेलने के लिए चेन्नई पे। इन लोग के लिए मैं पिछले 1 साल से इन लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रोफेशनली, टाइम हर 2 घंटा सुबह शाम, तब जाके ये लोग आसाम में गोल्ड मेडल लाए और सेलेक्ट हुए कि वहाँ जाने के लिए। उन लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है अभी, जिस हिसाब से होना चाहिए उसका उम्र और उसका जो कंडीशन देख के 1 साल में इतने इम्प्रूव हुआ, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है स्पेशली हुजाई डिस्ट्रिक्ट के लिए कि ये लोग फर्स्ट टाइम हुजाई हुए और लमनिंग से जा रहा है नेशनल खेलने के लिए, बहुत गौरव और आनंद करने वाला ये बात है। ये लोग जो अभी खेल